स्वागत है आपके आज के नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग है ना, मतलब जो वापिस आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि बड़े वाले मामी साहब को बंद करा था, फिर वो बाहर लेडीज़ गीत वीत गा रही थी, तो वही वाला फंक्शन आज फिर से हो रहा है। मतलब ये जो इस टाइम पे है ना, सब लोग एक मतलब कपल्स को बंद करते हैं, फिर वो गीत वीत गाते हैं, फिर वो नाश्ता वगैरह देते हैं, ये सब चलता है इस टाइम पे। तो आज छोटे वाले मामू से है मेरे, उनको बंद कर रहे हैं आज। और जो मेरे मासी जी की शादी थी वो भी आ रहे हैं फेर मोड़े पे, तो आज हम बस आपको ये दिखाएंगे कि हमारे फेर मोड़े में कैसे आते हैं और कैसे सामान है जो कि वहीं से आएंगे, तो वो जो वापस अपने ससुराल जाएंगे तो उनके लिए कपड़े हैं और साथ में उनके वहाँ ससुराल वालों के लिए कपड़े हैं और साथ में ये कुछ सामान है जो कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ये हमारे डालते हैं, तो ये सब वही। तो अब है ना, हम मासी आने वाले हैं तो उनके लिए हम खाना बना रहे हैं मेहमानों के लिए, उनके साथ मासा वगैरह भी है। मासी भी सब है, इनको बंद करा था आज। तो बस हम सब्जी बना रहे हैं। लाओ तो नहीं मिला तो ये वाला, ये पीसा वाला गोभी में डाल देंगे। अच्छा, ऐसा तो हमने ये दाल बना ली और साथ में ये गोभी की सब्जी है, गोभी मटर, और साथ में ये मटर पनीर की सब्जी बनाई थी और ये तीनों सब्जियां मैंने ही बनाई है। तो मासी आ गए हैं, बस पहुंच गए, उनका स्वागत करेंगे हम, उनका सामने लेंगे मतलब वो सब कुछ। ऐसा तो माइसा को सामने लेने के बाद खाना वगैरह खाया सबने, और अब ये ना इसको मावटा की रस्म बोलते हैं। इसमें बेसिकली ये उठक बैठक निकालना होता है दोनों हस्बैंड वाइफ को साथ में, और ऐसा होता है कि पहले कौन निकालता है मतलब, तो उसमें ऐसा सा कुछ होता है इसमें। और ये जैसे पहले बचपन में जब स्कूल में कब नंबर आते थे ना, तो वैसे टीचर पनिशमेंट में नहीं देते थे कि उठक बैठक निकालो, वैसा सा कुछ होगा। तो देखना, थोड़ा इंटरेस्टिंग था ये। हां जी, जाना तो शहर जाओगे।
हाँ तो आज है ना हम देवी देवता धोखने जा रहे हैं। तो शादी के बाद जब लड़की अपने घर आती है तो मतलब यहाँ के जो मंदिर वगैरह होते हैं है ना, उनके वहाँ पे धोख देने जाते हैं, उन्हीं को हम लोग है ना देवी देवता धोखना बोलते हैं ऐसे मतलब इधर। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं मंदिर में। तो कल रात को तो वैसे भी लेट हो गया था, तो मैं एंड नहीं कर पा रही हूँ वीडियोज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट होने के कारण फिर थक जाते हैं, फिर भूल भी जाती हूँ मैं, अभी नया नया है ना सब कुछ इसलिए। और फिर अभी हम लोग निकल ही रहे हैं। हाँ तो मंदिर पहुँच गए हैं। ये मेरी मासी है और ये नए वाले मैसा है, ठीक है, और ये छोटा मामा जो देख नहीं रहा है कैमरे की तरफ, और ये नए वाले मासूसा है। हेलो कर दो मासूसा। और ये मामी सा है। ये एंजल, हेलो कर दो। ब्लॉग बनाते हैं और हम है ना सती माता के जा रहे थे, तो हमको बीच में ये ऊँट दिख गए बहुत सारे, और ये मैंने बहुत दिनों के बाद देखा तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बना लिया इनका भी। विदाई हो रही है, तो विदाई से पहले हमारे थली का पूजन करवाते हैं, तो वही करवा रहे हैं। और ये यहाँ पे जैसे कोठार होता है हमारे यहाँ पे शादी में, मतलब जिसमें सामान रखते हैं पूरा खाने का, उसको हम कोठार बोलते हैं, उसी का थली पूजन हो रहा है। ये सबसे मिलने के बाद फिर बाद में बाहर आने पे गाड़ी मतलब जाने से पहले यहाँ पे फिर से मतलब मुंह धुलाते हैं और तिलक वगैरह करते हैं, काजल वगैरह लगाते हैं और पानी वगैरह पिलाते हैं, फिर उसके बाद सीख देते हैं, मतलब उसके बाद भेजते हैं। तो वही हो रहा है। सब कुछ करवाने के बाद महिषा को सीख दे देंगे। और बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना।